तक हमने इतनी बार भारत को गौरवान्वित महसूस कराया, बट अभी तक गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट नहीं मिल पाया है। हमारा तो खुशी है कि बाबू ऐसा सा लड़का पैदा हो। मैंने पहली बार 2017 में भारत को रिप्रेजेंट किया था दुबई में, जिसमें मेरा गोल्ड और एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल था। भारत देश की परचम विदेश में जाके ये लोग लहराए हैं, इसके लिए इन लोगों को बहुत बहुत बधाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं देसवा न्यूज और मैं हूँ आपके साथ दक्षा प्रिया। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जी हाँ, ये साबित किया है पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर के लक्ष्मीपुर गांव के दो लाल ने। जी हाँ, दो लालों ने कमाल कर दिया है। प्रतिभा किसी प्रशंसा की मोहताज नहीं होती है। जी हाँ, संसाधनों के अभाव और गुर्बत के बीच बिहार के इन दोनों लालों ने कमाल कर दिखाया है। हम बात कर रहे हैं पश्चिमी चंपारण जिला के सुदूरवर्ती वाल्मीकि नगर स्थित लक्ष्मीपुर गांव की, जहां गफ्फार दीवान के दो बेटों उस्मान और इरफान की कहानी सुनकर आप भी फख्र महसूस करेंगे। गरीब परिवार में जन्मे उस्मान दीवान ने एशियन एथलेटिक्स पारा गेम्स में देश को स्वर्ण पदक हासिल कराने का कीर्तिमान रचा है। दुबई में वर्ष 2017 में हुए विश्व स्तरीय धावक प्रतियोगिता में उस्मान ने 3-3 मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाया है। वहीं इरफान T20 वर्ल्ड कप ब्लाइंड में लगातार तीसरी बार विश्व विजेता रहे हैं। भारतीय टीम में बतौर ऑलराउंडर क्रिकेटर अपनी अहम भूमिका निभाई, जिसको लेकर उन्हें महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है। लेकिन हैरत और अफसोस की बात है कि इसकी जानकारी बिहार सरकार और जिला प्रशासन को नहीं है। तभी तो इन होनहारों के हौसला बढ़ाने या इनसे मिलने तक की जहमत अब तक जनप्रतिनिधियों या हाकिमों ने नहीं उठाई है। लिहाजा पूरा परिवार दुखी है और जितनी खुशी इन्हें देश का मान सम्मान बढ़ाने और विश्व स्तरीय कीर्तिमान रचने की है, उतना ही अफसोस इन्हें राज्य सरकार और प्रशासन द्वारा किसी भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने को लेकर है। हमारा तो खुशी है कि बाबू ऐसा सा लड़का पैदा हो। जो भी होता है उसी में हम अपना इन लोग काम लगाते हैं। क्या हालत दिख रहा है घर पे, छप्पर छत भी सही नहीं है, शौचालय आवास ये सब आपको नहीं मिला अभी तक? नहीं, इन साल मिला है। राशन वगैरह मिला है? राशन मिलता है सर। क्या मांग करना चाहते हैं सरकार से? सरकार अपने खुशी से जोत करे। कोई जनप्रतिनिधि विधायक सांसद या डीएम एसडीएम इलो नहीं आता है लो आपके घर? कोई प्रोत्साहन, कोई सहयोग, कोई हौसला अफजाई करने कुछ भी नहीं आया यहाँ? मेरा नाम उस्मान दीवान है, मैं ग्राम लक्ष्मीपुर वाल्मीकि नगर का रहने वाला हूँ, बिहार का। मैं एक इंडियन पैरा एथलीट हूँ। मैंने पहली बार 2017 में भारत को रिप्रेजेंट किया था दुबई में, जिसमें मेरा गोल्ड और एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल था। और अभी भी मैं कंटिन्यू भारत को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जर्मनी में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी किया था, और अभी नेशनल गेम्स भी चल रहे हैं हमारे। मैं अपने बिहार गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि हमें आर्थिक मदद करें और हमें सपोर्ट करें। मेरा नाम इरफान दीवान है, मैं इंडियन ब्लाइंड क्रिकेटर हूँ और मैंने इंडिया को 10 बार से अधिक रिप्रेजेंट किया है। और अभी हाल में जो वर्ल्ड कप था उसमें भी मैं भाग था टीम का, और ये तीसरा वर्ल्ड कप था जो भारत जीता है, तो इसको हैट्रिक कह सकते हैं, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप अभी तक ओनली भारत ही जीता है जब से हुआ है। और मैं बिहार का रहने वाला हूँ, बिहार में लक्ष्मीपुर ग्राम। और अभी तक हमने इतनी बार भारत को गौरवान्वित महसूस कराया, बट अभी तक गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट नहीं मिल पाया है, क्योंकि जो बाहरी मतलब अदर सिटीज़ हैं, वहाँ के जो राज्य हैं, वहाँ पे प्लेयर्स को बहुत अच्छा सम्मान मान सम्मान मिल रहा है और सपोर्ट भी मिल रहा है, बट अभी तक हमारे बिहार गवर्नमेंट से ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ना अभी तक SDM CM कोई अभी यहाँ तक नहीं आया मिलने या कॉन्ग्रेचुलेशंस कहने। तो मैं बिहार से बस यही चाहता हूँ कि हमको रिकॉग्नाइज किया जाए, और ताकि हमारे जैसे जो और प्लेयर्स हैं उनका मनोबल बढ़े, आगे बढ़े खेल में, और हमारे जो फैमिली है हमको आर्थिक सहायता मिले। देखिए, ये तो अद्भुत कार्य किए हैं ये लोग, और इस अद्भुत कार्य के लिए मेरे तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद इरफान साहब को और उस्मान जी को। इन्होंने जो भारत सरकार की, भारत देश की परचम विदेश में जाके ये लोग लहराए हैं, इसके लिए इन लोगों को बहुत बहुत बधाई। मैं ये चाहूँगा कि बिहार सरकार इन पे विशेष ध्यान दे।
माननीय मुख्यमंत्री से सबको उम्मीद है। और ये दो खिलाड़ी जो वाल्मीकि नगर के, जिन्होंने विश्व स्तर पर अपना नाम और भारत का नाम जो इन्होंने बताया और लोगों को दिखाया, इस पर विशेष ध्यान दें। और इन लोगों की जो गरीबी जो देखी जा रही है, इस पर सरकार विशेष ध्यान दे, लोकल स्तर पर जो भी प्रशासनिक अधिकारी है वो भी विशेष ध्यान दे। और इन लोगों को आगे भी खेलने का मौका मिल रहा है, और इन लोगों को आर्थिक स्थिति से तरह से और हर तरह से सजीव सरकार ध्यान दे और बनावे। हैरत की बात तो ये है कि जिस परिवार में दो दो ऐसे लाल हों जिन्होंने देश का मान सम्मान बढ़ाया है, उन्हें अभी तक किसी तरह की भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। देशवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।